क्या समस्याएं आ जाती है? ये हमारी समस्या है कि जैसे बी एस सी सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत बुरा आया है, बी एस सी फाइनल ईयर का भी बहुत बुरा आया था, और बी कॉम इसी टाइप से और भी जो आ रहे हैं बी ए फाइनल ईयर का, ये भी बहुत ख़राब रिजल्ट आया था। जैसा कि इसमें बहुत सारे पॉइंट उठे हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थे, इवन ऑड की सबसे पहले प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के जो मार्क्स थे वो भी सही नहीं दिखे, उसकी मिनिमम मार्किंग है 7 और हाईएस्ट मार्किंग है 20, जिसमें से उन्होंने 7 में से 6 दिए, 5 दिए, 6 मार्क्स दिए, और अगर पढ़ाई भी है तो सिर्फ 7 करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। फेल है उन्हें पास भी कर दिया, और जो पास है उन्हें फेल कर दिया, और जिनके मार्क्स कम है वो पास हैं। और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे ना वो थ्योरी के हिसाब से दिए, हम लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल भी बनाई है, सब कुछ किया है, लेकिन मार्क्स उस हिसाब से दिए ही। और ये लोग बैक पेपर किस हिसाब से ले रहे हैं? एक मिनट, ये बोल रहे भैया जो जिनके मार्क्स कम थे उन्हें पास कर दिया, जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उन्हें फेल कर दिया गया। अभी भी और कुछ रिजल्ट आप खोल के देखें तो उसमें किसी के 39 है, किसी के 33 है, किसी के 37 है, किसी के 36 है, बट वो पास हैं, उनमें बीपी नहीं लगा है। और ऐसे ही उसमें से एक रिजल्ट मेरा भी है जिसमें बीपी लगा, उसमें कुछ मार्क्स कम है, मुझे अब भी उसमें रखा, जबकि मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा हैं। अगर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो किसी को 7 ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो फिर 8 भी दे सकते हैं, बच्चों का एक दो नंबर में क्यों फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं? भैया ये बताइए, जब फर्स्ट ईयर में हमें रिजल्ट दे रहे हैं, इनने बोला था हम आपको प्रमोशन देंगे, हमने तो बोला नहीं था कि आप हमें प्रमोशन दो, अगर आपने दिया है तो किस बेसिस पे हमें मार्क्स दिए गए हैं उसमें से? आप फर्स्ट कर रहे हो, सेकंड ईयर में आप हमें फेल कर रहे हो, तो फिर हम एक सब वो तो करो, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे? और इनने क्लासेस भी नहीं लगाई, ऑनलाइन क्लासेस भी इतना इतना कुछ नहीं किया है, इनने OMR शीट पे एग्जाम कराए तो किस बेसिस पे कराए, उसमें भी चेकिंग का कोई वो नहीं था भैया इन लोगों का, ऐसे थोड़ी ना वो होता भैया। जैसे कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, इस समय टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 महीनों में फिर से पेपर होने वाले बी एस सी फाइनल ईयर के, हम लोग सेकेंड ईयर का पढ़े या फाइनल ईयर का पढ़े? थर्ड ईयर का टाइम हो गया, क्योंकि अभी एक महीना लग जाएगा कि हम लोग इसमें एडमिशन होने में, उसके बाद क्लियर होंगे, फिर ये बैक पेपर का एक महीने टाइम निकलेगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग कैसे पढ़ाई कर पाएंगे आगे, फाइनल ईयर के पेपर कैसे कर पाएंगे, हमें ये बताएं।